एक तरह से इस्तकबाल कर रहा है कश्मीर पूरी तरह दुनिया भर के फिल्म मेकर्स का शूटिंग के लिहाज से या बाकी लिहाज से, तो क्या मानते हैं कि जो दिक्कतें थी वो क्या थी और अब क्या चीज़ बदली है? मेरा यह है कि बदलाव आ गया है। इट इज़ लाइक सेइंग सीइंग इज बिलीविंग। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर आज भी अमन और आशती का गहवारा है, वहाँ कोई क्राइम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बैड पैच से गुजरना पड़ा। हम उससे बाहर आ रहे हैं, विनोद थे, कोई और भी अलग थे, जो आते हैं तो वो बहुत अच्छा माहौल देखते हैं। तो बच्चों के का जो इन्होंने शुरू किया है, एक स्टूडेंट्स का, वो सबसे बड़ी, वो आज आने वाली कौम हमारी वही है, जो आने वाला कल है उन्हीं का था। इसलिए बच्चों को इन्वॉल्व करना, मैंने कहा वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से भी कुछ लोग आए, नए साल के मौके पर आए, तो मैंने इनको इन्वाइट किया है, जो भी जिसको भी चाहें, जो भी सेलेक्ट करें वो आ जाएं, तो देख लें वहाँ का माहौल और कैसा। विंटर भी सबसे मुझे अच्छा लगा है। मैं जब पहले भी मैंने आई टू कवर एज चीफ मिनिस्टर, वहाँ क्रिसमस ईव पे मैं गुलमर्ग बनाता था 25 दिसंबर को, इतना खूबसूरत लगता है। आई टेल यू कश्मीर भी मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इन विंटर में, समर से ज़्यादा। आपकी क्या है? हाँ। जी बिल्कुल, आपकी क्या यादें हैं जब कश्मीर में बहुत सारी फिल्में शूट होती रहीं और बहुत से मुझे वही क्या क्या हाँ। बहुत सारी फिल्में हैं इसमें, क्या कितना कहे आदमी। एक एक तो राज कपूर की फिल्में याद जी, हैं, इसी तरह से कश्मीर की कली याद है, बहुत सारी फिल्में हैं जो वहाँ ही, मेरे ख्याल में पहलगाम और गुलमर्ग की जगह कोई और नहीं। तो उम्मीद करें, तो आई थिंक अल्लाह करे कि आगे आने वाला कल ऐसा ही हो। जितना भी बॉलीवुड है, स्विट्ज़रलैंड यूरोप जाने के बजाय कश्मीर इस यहाँ से बॉम्बे से डायरेक्ट फ्लाइट है, दिल्ली से एक घंटे का है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर से पहलगाम गुलमर्ग के ये हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करें। इट इज़ नियरर टू योर हार्ट, कहाँ जाएंगे बाहर। अपने दिल को थामिए, कश्मीर आपका दिल है, कश्मीर आपका ताज है, तो वहाँ एक मिला जुला माहौल है, उसको जिंदा रखें। मेरे ख्याल में बॉलीवुड शुड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, जो रिवाइवल एक करना है कश्मीर में, जो फिल्म बॉलीवुड का घर हुआ करता था। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। चलिए, इस फख्र की बात को ही मैं लेता हूँ, और क्या उम्मीद करें कश्मीर में भी इस तरह का एक फिल्म फेस्टिवल अच्छा हो जाएगा। मतलब है कि मैं कहता हूँ कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, कुछ चीज़ की इब्तिदा होती है उसकी इंतहा भी अच्छी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कश्मीर में हालात बदले हुए हैं, और परसों हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, ही हैज़ ऑल्सो सम मैसेज टू गिव पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे अच्छा लगता है कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं नहीं कहता, मैं वो कह रहा हूँ इस किसी मामले में नी जर्क रिएक्शन नहीं होना है। मैं ये कहना हूँ, मैं हर जगह ये कहूँगा, जो हिंदुस्तान का भारत का वज़ीर आज़म बना, उसको 1 अरब और 20 करोड़ लोगों ने चुना है, उसकी एक अथॉरिटी है। तो मेरा है कि इसमें वक्त देना चाहिए, ये लंबी दौड़ होती है, तो कहीं गलत बातें होती हैं, नहीं होनी चाहिए। तो उसकी डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान भारत की डाइवर्सिटी है, मिली जुली तहजीब है। हाँ, काम कर एक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए प्लूरलिस्टिक है, इसमें सबको अपना अधिकार है, सबको अपना हक है, किसी का हक आप नहीं छीन सकते। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की लंबी दौड़ है। मैं जब मेरे साथ उन्होंने हाथ मिलाया